वेलकम दोस्तों, आपका हमारे चैनल पैरानॉर्मल फाइल्स हिंदी पर बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर आप भूत प्रेत, जादू टोना, पिशाच चुड़ैल, कला जादू और पैरानॉर्मल से रिलेटेड वीडियो देखेंगे। इस चैनल पर हम हर हफ्ते एक स्टोरी लेकर आते हैं, तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। उम्मीद करते हैं कि ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आती है तो कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एक ऐसी कचहरी जिसके अंदर है कई सारे तहखाने और उनमें रहता है एक खौफनाक भूत, जिसके कारण उस कचहरी को कचहरी के भूत के नाम से जाना जाता है। ये बात आज से बहुत समय पुरानी है। ये बात उस समय की है जब मेरे गांव में एक कचहरी कोर्ट हुआ करती थी। आप लोगों को बता दूं कि यह कचहरी लगभग 150 साल पहले से यहाँ पर है और इसे एक राजा ने बनाया था। इस कचहरी में कई सारे तहखाने हैं जिनका निर्माण उस समय राजा के द्वारा किया गया था। अब तो ये तहखाने बंद कर दिए गए हैं, पर कुछ सालों पहले ये तहखाने खुले हुए थे और हमारी कहानी इन्हीं में से एक तहखाने पर है। ये बात आज से लगभग 36 साल पुरानी है। इस कहानी के लिखित होने से 36 साल पहले की कहानी। उस समय इस कचहरी को एक स्कूल में तब्दील कर दिया गया था और उन तहखानों को भी बंद कर दिया गया था, पर वहाँ एक या दो तहखाने खुले हुए थे जिनको बंद करना उस समय बाकी था। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो कचहरी राजा के समय ही चलती थी और बहुत सालों से बंद पड़ी थी। कहानी में वापस आते हुए, उस स्कूल के कुछ बच्चों का कहना था कि इन तहखानों में से बड़ी ही अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती थी, मानो जैसे कि कोई जानवर अंदर से चीख रहा हो। ऐसी आवाज बच्चों ने पहले कभी नहीं सुनी थी। बच्चों का तो यहाँ तक कहना था कि उस आवाज को सुन न कर वह इतना डर जाते थे कि वह रात को सही से सो भी नहीं पाते थे। तहखाने की तरफ ही उन बच्चों की पानी पीने की व्यवस्था की गई थी, इसलिए उन्हें उस तरफ जाने से भी डर लगता था। ये वहाँ के बच्चों ने ही नहीं बल्कि टीचर्स ने भी महसूस किया था कि जरूर कुछ तो राज है इन तहखाने में और वह आवाज किस चीज की है। कुछ महीनों तक वह स्कूल ऐसे ही चलता रहा, पर एक दिन की बात है जब उसी स्कूल में ही पढ़ने वाली एक बच्ची लापता हो गई। बहुत से लोग उसकी खोज में निकले। उसकी माँ का कहना था कि वह बच्ची स्कूल से सीधे घर पर आई थी, लेकिन वह अपना टिफिन स्कूल में भूल गई थी तो उसे ही लेने गई होगी। ये बात जानकर सब लोग स्कूल गए। दोस्तों, उस समय टीचर भी जल्दी स्कूल से चले जाते थे और उस स्कूल को बंद करने का दरवाजा भी उस टाइम नहीं था, तो शायद बच्ची स्कूल के अंदर चली गई होगी। यही सोचकर सब लोग स्कूल की तरफ दौड़े, पर वहाँ कोई नहीं था। पूरा स्कूल उस समय सुनसान था। उस जगह केवल एक सीढ़ी पर थोड़ा सा खून और तहखाने की तरफ घसीटने के निशान मिले और कुछ नहीं मिला। लोगों ने तहखाने में जाकर देखा, पर वो तहखाने किसी भूल भुलैया मजे से कम नहीं थे और वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिला। उस बच्ची का भी कुछ पता नहीं चला। कुछ लोगों का मानना है कि जब बच्ची स्कूल में गई होगी तो ऊपर उसकी कक्षा में जाने वाली सीढ़ियों से उस तहखाने के भूत ने उसे पकड़ लिया होगा और उसे अपने साथ घसीटते हुए तहखाने में ले गया होगा, पर ये तो कोई नहीं जानता कि उस लड़की के साथ क्या हुआ। कुछ दिनों बाद वो स्कूल भी बंद कर दिया गया और उन तहखानों को भी बंद कर दिया गया। ये तो कोई नहीं जानता कि उन तहखानों में क्या था और वो घसीटने के निशान किसके थे और वो भूत कहाँ से आया था और कहाँ चला गया। आपको यह कहानी कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही और भी मनोरंजक कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल पैरानॉर्मल फाइल्स हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब करें।